इस सवाल का जवाब कि दानियल बंधुआई में भी यरूशलम की ओर खिड़की खोलकर प्रार्थना क्यों करता था हमें सुलेमान की प्रार्थना में मिलेगा। दो इतिहास अध्याय 6 उसकी 37 आयत में सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर अगर तेरे लोग बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंदी बना कर ले गए हों अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनना और उनका न्याय करना और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। ऐसी कितनी ही प्रार्थनाएं सुलेमान ने की जिसमें उसने कहा कि अगर तेरे लोग शत्रु से लड़ने को जाएं और इस नगर और इस भवन की ओर मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें तो तू उनकी सुनना, या फिर अगर देश में अकाल आए या मरी फैले और लोग इस भवन की ओर हाथ फैलाए प्रार्थना करें तो उनकी सुनना। जब मूसा ने मिलाप वाला तंबू बनाया था तो हर एक चीज जो उसमें रखी गई थी जैसे कि सोने की दीवट, पवित्र मेज, सोने का धूपदान, ये सब चीजें मूसा ने उस दर्शन के हिसाब से बनाई थी जो परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था। ऐसी क्या खासियत थी उस नगर यानी यरूशलम की, या फिर क्या चमत्कार था उस भवन में कि जब लोग उसकी ओर मुंह करके प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर उनकी सुनता था। बाइबल बताती है कि उस भवन के अंदर परमेश्वर का वाचा का संदूक पड़ा था, वो पवित्र चीजें पड़ी थी जो मूसा ने परमेश्वर के कहने पर बनाई थी। क्या आप जानते हैं वो वाचा का संदूक, सोने की दीवट, पवित्र मेज, सोने का धूपदान, ये सब चीजें स्वर्ग में पहले से ही हैं। जो मूसा ने बनाया था वो सिर्फ स्वर्ग की चीजों का एक नमूना था। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अब निर्गमन अध्याय 30 उसकी 1 आयत में परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना और उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए और शाम के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। ये धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। अब जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया तब उसने ये सब चीजें भवन में रखी और हर सुबह हर शाम उस वेदी पर धूप जलाई जाती थी। क्या आप जानते हैं कि वो धूप लोगों की प्रार्थनाओं को दर्शाती है। भजन संहिता अध्याय 141 उसकी 2 आयत में दाऊद ने परमेश्वर से कहा, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 उसकी 3 आयत में लिखा, फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। फिर 4 आयत में लिखा, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। वो वेदी प्रार्थनाओं को दर्शाती है। हर सुबह और हर शाम जब धूप जलाई जाती थी तो लोगों की प्रार्थनाएं उस वेदी पर से परमेश्वर के सामने पहुंच जाती थी। आज भी यहूदी लोग ये मानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाएं यरूशलम में आती हैं फिर यरूशलम से स्वर्ग में जाती हैं। हर सुबह जब वो उस वेदी पर धूप जलाते थे तो पूरी दुनिया में रहते हुए लोगों की प्रार्थनाएं उस सोने के धूपदान पर जाती थी और जब धूप जलाई जाती थी तो लोगों की प्रार्थनाएं उस धूप के धुएं के साथ परमेश्वर के सामने स्वर्ग में पहुंचती थी। पर दानियल अध्याय 1 में हम देखते हैं कि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलम पर हमला किया और भवन को तोड़ डाला और भवन के कई पात्रों को वो लूट कर वो बेबीलोन में अपने साथ ले गया। और ये वही समय था जब परमेश्वर के लोग बंधुआई में गए जिनमें दानियल, शेद्रक, मेशक और अबेदनगो शामिल थे। अब भवन टूट चुका था, उसमें कोई वेदी नहीं थी जिस पर धूप जलाई जाए। अब दानियल तो बेबीलोन में था, वो राजा नबूकदनेस्सर के नीचे काम करने लगा। दानियल सुलेमान की प्रार्थना को जानता था कि अगर वो बंधुआई में भी परमेश्वर के भवन की ओर उस नगर यरूशलम की ओर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। पर भवन तो टूट चुका था, उसमें पड़े सारे पात्र नबूकदनेस्सर राजा अपने साथ बेबीलोन में ले गया था। इन सब चीजों के बावजूद भी दानियल क्यों यरूशलम की ओर खिड़की खोलकर प्रार्थना करता था, जानते हैं क्यों?
क्योंकि उस यरूशलम नगर के ऊपर स्वर्ग का दरवाजा था। दानियल क्यों यरूशलम की ओर मुंह करके प्रार्थना कर रहा था, जहां पर कोई सोने का धूपदान नहीं था जिसे जलाने से धुआं उठता था और प्रार्थनाएं और धुएं के साथ परमेश्वर के सामने पहुंचती थी, क्योंकि वो धूप का जलाया जाना सिर्फ एक धार्मिक संस्कार था, एक धार्मिक रीति थी, एक परंपरा थी जो उन्हें करनी पड़ती थी ताकि उन्हें उस जगह की असली अहमियत पता रहे। दानियल जानता था कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं उस स्वर्ग के दरवाजे की ओर मुंह करके प्रार्थना करूंगा। मैं एक विश्वासी होने के नाते दूसरी जगहों की ओर मुंह नहीं करूंगा, शैतानी वेदियों की तरफ मुंह नहीं करूंगा। मैं उस तरफ मुंह करूंगा जहां पर स्वर्ग का दरवाजा है, ताकि मेरे शब्द स्वर्ग तक पहुंच सके। दानियल जानता था कि चाहे वहां पर भवन नहीं है, चाहे वहां कुछ भी नहीं है, पर वहां पर वो सीढ़ी खड़ी है जो नजर तो नहीं आती पर वो स्वर्ग तक जाती है, जो याकूब ने स्वप्न में देखी थी। आत्मिक दुनिया के दरवाजे होते हैं खिड़कियाँ, सीढ़ियाँ होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप बरमूडा आइलैंड से पोर्टो रिको तक और मायमी से वापस बरमूडा आइलैंड तक एक लाइन बनाएं, तो वो एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण का आकार बनाती है और इसे बरमूडा ट्रायंगल भी बोला जाता है। ये जगह इतनी भयानक है कि जो समुद्री जहाज इस ट्रायंगल के बीच से निकल कर जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो हवाई जहाज जो इस जगह के ऊपर से जाते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, रेडियो जहाजों के रडार काम करने बंद कर देते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से 2000 से भी ज्यादा समुद्री जहाज और 200 से भी कहीं ज्यादा हवाई जहाज इस बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में नष्ट हुए हैं। और तो और कुछ जहाज 100-150 सालों के बाद दोबारा नजर भी आए हैं। एयरफोर्स के कई जहाज इस स्थान में नष्ट हुए हैं और आज तक साइंटिस्ट इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। अगर आप इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल के बिल्कुल सामने ग्लोब की दूसरी तरफ जाएं, तो वहां भी बिल्कुल ऐसी ही एक जगह है जहां मैग्नेटिक कंपास काम करना बंद कर देती है। इस जगह को डेविल्स सी बोला जाता है। बरमूडा ट्रायंगल में एक बहुत बड़ी खाई है जो 27,000 फुट गहरी है, और इसी तरह पूरी धरती पर 12 ऐसे मुख्य जगहें हैं जहां पर भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधियां पाई जाती हैं, जहां पर कंपास काम करना बंद कर देती है, रडार काम करना बंद कर देते हैं। ये 12 दरवाजे हो सकते हैं जो धरती के नीचे नरक में जाते हैं। जिस तरह नए यरूशलम के 12 दरवाजे हैं, उसी तरह नरक के भी 12 दरवाजे हैं। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बताया है जिसका नाम है नरक कहां पर है, और 12 में से 11 जगहें समुद्र के नीचे हैं। अय्यूब की पुस्तक में समुद्र की गहराइयों के बारे में लिखा है कि समुद्र के नीचे दरवाजे हैं, कक्ष हैं, कोठरियां हैं। जब शाऊल एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री यानी जादू टोना करने वाली स्त्री के पास गया, तो 1 शमूएल अध्याय 28 उसकी 13 आयत में उस स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे देवता पृथ्वी में से चढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो कोई मुर्दे नहीं थे जो धरती में से ऊपर आ रहे थे, क्योंकि जब कोई मरता है तो वो या तो नर्क में या स्वर्ग में जाता है, वो फिर इधर उधर धरती पर घूम नहीं सकता। तो ये जादू टोना करने वाली औरत जिन देवताओं के बारे में बात कर रही है, वो शैतान और उसके दूत थे जो धरती पर इधर उधर ऊपर नीचे आ जा रहे थे। अय्यूब अध्याय 1 उसकी 7 आयत में यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता और डोलते डालते आया हूँ। नर्क के दरवाजे हैं और इन्हीं दरवाजों से वो जादू टोने वाली औरत शैतानी दूतों को ऊपर आते देख रही थी। नर्क के दरवाजों के बारे में मैंने अलग वीडियो में बताया है। इस वीडियो में जितना हो सके मैं आपको स्वर्ग के दरवाजों के बारे में बताऊंगा। हम सब जानते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते हम जहां मर्जी प्रार्थना करें, परमेश्वर उसी समय हमारी प्रार्थना सुनता है। फिर चाहे हम इंडिया में हों या अमेरिका में या कनाडा या इसराइल या हों अफ्रीका में, चाहे किसी प्लेन में हों या फिर ट्रेन में, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उसी समय सुनता है। उन प्रार्थनाओं को यरूशलम में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा स्वर्ग में परमेश्वर के सामने पहुंचती हैं। पर जो भेद मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपकी प्रार्थना की जिंदगी, आपके आने वाले वंशों की जिंदगियों को ये बदल देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसकी 1 आयत में यूहन्ना ने लिखा, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार, एक दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजे को हम क्या करते हैं? हम उसे खोलते हैं और बंद करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ
आप एक जगह पर इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप उस जगह के ऊपर स्वर्ग के दरवाजे को खोल सकते हैं। वो जगह आपका कमरा हो सकता है, आपकी कोई चेयर हो सकती है, कोई पार्क हो सकता है, किसी पेड़ के नीचे हो सकती है, आपके घर का टेरेस हो सकता है, आपकी बालकनी हो सकती है, आपकी गाड़ी हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है। जब आप किसी जगह पर रेगुलर प्रार्थना करते हैं तो उस जगह के ऊपर हवा में स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। एक बार एक पास्टर ने अपनी चर्च की बिल्डिंग का निर्माण करना था, पर उन्हें कोई भी नक्शा पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक दिन जब वो पास्टर एक बुजुर्ग औरत के घर में विजिट करने गए, तो उस समय बातों ही बातों में उस बुजुर्ग औरत को पता चला कि पास्टर जी को चर्च बनाने के लिए सही नक्शा नहीं मिल रहा। इस बात के बारे में पता चलते ही वो बुजुर्ग औरत अपने कमरे में गई और एक बहुत पुरानी कुर्सी बाहर लेकर आई और पास्टर से कहा कि कृपया आप इस कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना करें, मेरा विश्वास है आपको आपका उत्तर जरूर मिलेगा। पास्टर ने बताया कि उस कुर्सी पर बैठते ही जब वो प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें ऐसा छुआ कि उन्होंने उसी समय एक कॉपी पेन मंगवाया और पूरी चर्च बिल्डिंग का नक्शा अपने हाथों से बना डाला। उस बुजुर्ग औरत ने बताया कि वो सारा दिन अपना समय उस कुर्सी पर प्रार्थना करने में व्यतीत करती है। हम अंधविश्वासी नहीं है कि हम कुर्सियों या पत्थरों या किसी भी चीज की पूजा करने लग जाएं। उस कुर्सी पर बैठकर ज्यादा प्रार्थना करने से परमेश्वर की हजूरी उस कुर्सी पर बनी रहती थी। क्या आप जानते हैं कि जिन कपड़ों में आप प्रार्थना करते हैं वो कपड़े भी आपके अभिषिक्त होते हैं। परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की हजूरी उन कपड़ों पर बनी रहती है। और यही कारण था कि जब लोग चेलों के शरीरों से कपड़ों को छुआकर बीमारों पर लगाते थे तो वो बीमार चंगे होते थे। ऐसे कई वाक्य हैं जो ऐसे ही कई घटनाओं के बारे में बयान करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर अब्राहम से कहता था कि मैं तुझे इस जगह पर मिला हूँ, अब मेरे लिए इस जगह पर वेदी बना? क्यों अब्राहम, इसहाक, याकूब उन जगहों पर निशानियां लगाते थे, वेदियां बनाते थे जहाँ पर परमेश्वर उन्हें दर्शन देता था, फिर चाहे वो धरती के ऊपर आकर, चाहे स्वप्न में, चाहे स्वर्ग दूत के रूप में परमेश्वर उन्हें मिलता था, वो उन जगहों पर निशानी लगाते थे, वेदियां बनाते थे, क्योंकि अब्राहम बताना चाहता था इसहाक को, और इसहाक बताना चाहता था याकूब को, और याकूब बताना चाहता था यहूदा को कि बेटे अगर कभी जिंदगी में मुसीबत में पड़ो और कुछ हल ना हो तो इसी जगह पर वापस आ जाना जहाँ परमेश्वर हमसे मिला है। पढ़ो अपनी बाइबल को, उत्पत्ति अध्याय 12 अध्याय 13 में लिखा है कि अब्राहम बेतेल को गया जहाँ उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, और बाद में फिर लिखा है कि अब्राहम फिर बेतेल को वापस आया जहाँ उसने पहली वेदी बनाई थी, और उसने वहाँ यहोवा से प्रार्थना की। और याकूब भी बेतेल को गया जहाँ अब्राहम भी गया था। क्यों? क्योंकि वो वही जगह थी जहाँ पर परमेश्वर उनसे मिला था, जहाँ परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया था। आप अपने घर के किसी भी कोने में कहीं भी इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप उस जगह के ऊपर स्वर्ग का दरवाजा खोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को फिर पता चलता है कि यही वो जगह है जहाँ पर आप उसे आकर मिलेंगे। और फिर क्या होता है कि आप उस जगह पर इतनी प्रार्थना करने लग जाते हो, आप उठे तो बाथरूम जाने के लिए होंगे, पर क्योंकि आप इतनी प्रार्थना उस जगह पर करते हो कि उस जगह के पास से गुजरने पर ही स्वर्गदूत सोचते होंगे कि लगता है कि ये स्वर्ग के दरवाजे पर आने वाला है, वो एक दूसरे से बोलते होंगे कि मुझे लगता है कि ये प्रार्थना के लिए बैठने वाला है। आप कभी किसी आत्मिक व्यक्ति के घर में जाएं तो एक अलग सा वातावरण, एक अलग सी शांति आपको महसूस होगी, पर अगर आप एक झगड़ालू परिवार में जाएं तो बहुत ही नेगेटिव वातावरण महसूस होगा, क्योंकि शैतानी लोगों का भी अभिषेक होता है। कुछ नगर ऐसे होते हैं जिनमें पैर रखते ही कुछ लोगों को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि उस इलाके में प्रार्थना कम होती है। शैतानी ताकतें आसमान में आपकी प्रार्थनाओं को रोकती हैं। जब कुछ लोग अपनी जगह बदलते हैं, अपने घरों को बदलते हैं, तब उनके जीवन में नया मोड़ आता है, छुटकारा आता है, क्योंकि वो उस शैतानी जगह से बाहर आते हैं जहाँ पर प्रार्थनाओं की कमी थी और शैतानी पुजारियों की, जादू टोना करने वालों की बहुत आयत थी। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं
जिन्हें उनके पास्टर ने कहा था कि अपने नगर को छोड़ दो और कहीं और घर खरीदो या फिर चर्च के पास घर लो, किराए के घर पर रह लो। पर उन्होंने बात नहीं मानी और उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। किसी को किसी बीमारी ने पकड़ लिया, किसी का तलाक हो गया, किसी ने मसीह को छोड़ दिया और किसी की मौत हो गई। ये बातें बहुत ही गहरी हैं। जब आप कुछ चर्चेज में जाते हैं तो वहाँ आपको अलग शांति महसूस होती है, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी मिलते हैं। कई चर्चेज में पैर रखते ही लोग चंगे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस चर्च में प्रार्थना पर जोर दिया जाता है। हर चर्च में बड़े चमत्कार नहीं होते क्योंकि हर पास्टर की प्रार्थना का लेवल बड़ा नहीं है। इसलिए जब लोग अपने पास्टर अपने अगुए के कमरे में प्रार्थना करते हैं तो बदलाव आते हैं, क्योंकि उस कमरे में इतनी प्रार्थना हुई होती है कि स्वर्ग उस जगह के ऊपर, उस घर, उस कमरे के ऊपर हमेशा खुला रहता है। अभी भी स्वर्ग की सीढ़ी और स्वर्ग के दरवाजों के बारे में बहुत कुछ बताने को पड़ा है जो इस वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं हर बार 5-6 मिनट की वीडियो बनाने का सोचता हूं, पर जब मैं लिखने लगता हूं तो इतनी सारी बातें होती हैं कि वो एक वीडियो में आ नहीं पाती। क्या आप जानते हैं कि शूनेमिन औरत ने भी स्वर्ग का दरवाजा बनाया था? सिर्फ प्रार्थना से ही नहीं, और भी कई तरीकों से आप स्वर्ग के दरवाजों को बना सकते हैं। इसके बारे में मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में बताऊंगा। अपने घर में किसी कुर्सी पर, किसी पेड़ के नीचे, कहीं भी जहां आपको सही लगता है वहां पर प्रार्थना करना शुरू करो और स्वर्ग के दरवाजों को अपनी जिंदगी के ऊपर खोलना शुरू करो, क्योंकि जब स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं तभी छुटकारे और आशीषें और शांति लोगों के जीवन में आती है। क्योंकि जब जब आप उस प्रार्थना के स्थान पर परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपसे पहले आपका इंतजार करेगा कि कब आप उस स्थान पर आएं और प्रार्थना करें और परमेश्वर आपसे बातें करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ। जब शैतान को स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया गया था तो वो कहां पर आकर गिरा? क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल जो कुछ टीवी पर, सोशल मीडिया पर आता है वो 99% वल्गर, गंदा, चरित्रहीन और भ्रष्ट होता है। चाहे वो बच्चों का देखने वाला कार्टून सीरियल हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड, पंजाबी सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स या मूवीज हो, किसी में लड़ाइयाँ, किसी में तोड़फोड़, किसी में नंगापन तो किसी में हथियारों को प्रमोट किया जाता है। जो गलत काम बाइबल करने से मना करती है उन्हीं गलत कामों को प्रमोट किया जाता है, और ऐसे गाने बनाए जाते हैं जो व्यभिचार को प्रमोट करते हैं, खून खराबे को प्रमोट करते हैं। जिन बच्चों को इन गलत कामों के बारे में पता भी नहीं होता वो इन गानों को सुनते हैं, इन्हें गाते हैं और मूवीज को देखते हैं, और जो आप लगातार सुनते और देखते हैं वैसे ही आप बनते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हम आने वाले समय में बाइबल के वचनों पर आधारित मूवीज को बनाएंगे जो लोगों को परमेश्वर में मजबूत करेंगी, जो लोगों की जिंदगियों को सुधारेंगी। बाइबल के गहरे भेदों से भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में और QR कोड के जरिए भी अपनी डोनेशंस हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।